बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से वेट कर रहे थे, फाइनली मिला। तो हमने बहुत इंतजार किया इस दिन का, और सर के द्वारा मिलना ये और ही अलग ही खुशी की बात है। आज के जमाने में सच बात है, जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को मिल गया वो बहुत बड़ी बात है। क्या बोलेंगे, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, 1 ईयर हो गया था, लेकिन सर को धन्यवाद कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिए हैं। आज समुदाय सेंटर पे जाके अपना काम शुरू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लगने से पहले हमें वहाँ ज्वाइन करना है। इस टाइम पोस्टिंग मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या होगी। ओवरऑल आज हमें ये रिजल्ट मिल गया कि आज हमें खुशी मिली, आज हमारे पास उसका रिजल्ट है। अब यहाँ से आगे मेरी जिंदगी का मैं खुद शुरुआत करूंगा और बहुत अच्छे से शुरुआत होगी। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 498 सीएचओ को नियुक्ति पत्र बांटा है। इस वक्त मैं झारखंड मंत्रालय में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए इस हॉल में आज 498 सीएचओ मौजूद है, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी बोलते हैं, और अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देंगे। इन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है? सीधे जुड़ते जानते हैं। दीदी कहाँ से हैं आप? गुमला डिस्ट्रिक्ट से। गुमला डिस्ट्रिक्ट से हैं, नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी लग रही है। कितना समय से इंतजार कर रहे थे? बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे एग्जाम लिखने के बाद में। 1 ईयर था। क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। क्या बोलेंगे, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, 1 ईयर हो गया था, लेकिन सर को धन्यवाद कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिए हैं आज। थोड़ा थोड़ा डर है क्या, क्योंकि पुराने सीएचओ जिस तरीके से स्ट्राइक पर हैं, सचिव ने भी भाषण में कहा कि आप लोग उनके बातों में ना आए, तो इस चीज को भी ध्यान में देख रहे हैं आप? उस ध्यान में रख रहे हैं कि हम लोग तो अपना काम करना है, अब दिए हैं नियुक्ति पत्र तो हम लोग अपना काम करेंगे। तो देखिये नवनियुक्त सीएचओ हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। देखिये सभी के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, एक्साइटमेंट है, कितने खुश है, नियुक्ति पत्र हाथों में मिल चुका है। हम बहुत ही खुश हैं नियुक्ति पत्र लेके। बोलिए। हम बहुत ही खुश हैं नियुक्ति पत्र लेके। फिर कल से हमें अपना ब्लॉक दे दिया जाएगा, हम अपने समुदाय सेंटर पे जाके अपना काम शुरू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लगने से पहले हमें वहाँ ज्वाइन करना है। आचार संहिता लगने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएचओ को नियुक्ति पत्र दिया है, कितने खुश हैं, क्या देख रहे हैं इसको? त्योहार चल रहा है, अभी दिवाली भी आना है, ऐसे में ये तोहफा है। जी मैम, बहुत खुश हैं मैम। ये सीएचओ का जो आज निकला है उसमें पोस्टिंग, कल से ज्वाइनिंग ले लेंगे मैम, आचार संहिता लागू होने से पहले। कितनी खुश हैं? बहुत 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 खुशी है मैम, और जगह भी बहुत अच्छा मिला है मैम, देवघर बाबा की नगरी है। खुश है? जी जी मैम, बहुत बहुत बहुत। हाँ जी मैम, मैम काफी टाइम से मैम इंतजार तो बहुत दिन से कर रहे हैं मैम, लगभग 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं जी। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बताइए बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने समय से इंतजार कर रहे थे? लगभग 3 महीने से। प्रार्थना भी किए थे भगवान? बहुत ज्यादा। कौन कौन भगवान ही ने कहे ये बताइए, कौन कौन भगवान से प्रार्थना किए? लगभग टोटल 365 के 365 भगवान के। रास्ते में आते थे जितने भगवान मिलते थे, 35 करोड़ देवी देवता सबको लग लिए, तब जाके नियुक्ति ऊपर से। भगवान से मिलना आसान है या नियुक्ति पाना? नियुक्ति पाना बहुत मुश्किल है, भगवान से मिलना बहुत ही आसान है आजकल के जीवन में। जी क्या बोल रहे हैं, आपके साथी बता रहे हैं भगवान से मिलना आसान है, नियुक्ति पत्र मिलना आसान है। जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, अच्छी बात है, नियुक्ति पत्र मिला है, खुशी की बात है। हमारा जो कोर्स था उसको कंप्लीट करने के बाद इंस्टेंट पोस्टिंग मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या होगी। हमारे साथ कुछ और भी नवनियुक्त सीएचओ है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कैसा लग रहा है नियुक्ति पत्र पाकर। यहीं के हैं या बाहर के? मैम एक्चुअली मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मतलब राजस्थान। झारखंड में नौकरी मिला? यस मैम, झारखंड में नौकरी अप्लाई किया था, तो हमने एग्जाम दिया था काफी, मतलब लास्ट ईयर 8 अगस्त, मतलब 20 अगस्त को, तो काफी लंबा हमें प्रोसीजर करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, साथ में ट्रेनिंग भी की थी, कई कठिनाइयों को पार, मतलब ओवरऑल आज हमें ये रिजल्ट मिल गया कि आज हमें खुशी मिली, आज हमारे पास उसका रिजल्ट है, मतलब बहुत अच्छी सारी अच्छी फीलिंग आ रही है। और आज सर जो अपने सीएम सर ने हमें जो स्पीच दी उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मोटिवेट हुई हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पैसा कमाना, क्या जरूरी नहीं है कि पैसा हम और जरिए से भी कमा सकते थे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्कोप है इस पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैम इसके द्वारा क्या है कि हम जो गांव लेवल के लोग, जो रूरल एरिया के लोग हैं, उनसे बाई हार्ट एंड बाई हार्ट उससे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी दर्द को समझ सकते हैं,
और उसी के अकॉर्डिंग उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जितना हमारे अकॉर्डिंग जितना हमारे अंदर लिमिट में आता है। श्रेय किसको देंगे? श्रेय मैम फर्स्टली तो मेरे इस टाइम तो मेरे माँ बाप, और सेकंड जो मोस्ट है मेरा छोटा भाई मनीष, जिसने मुझे एक साल के पीरियड में मैम ना के बराबर 10,000 अराउंड वो मिलता है। तो उसके साथ क्या होता है कि मैम कुछ नहीं हो पाता, उसको बुक्स भी लानी होती है, 5,000 बुक्स आती है, कोचिंग के भी पैसे देने होते हैं, तो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने अपना खर्चा कम करके मुझे पैसे दिए थे। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्रपुरी है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं CHO में नवयुक्त। आज हमने पोस्टिंग मुझे मैडम धन्यवाद मिली है, बहुत अच्छा धन्यवाद है। वहीं से मैंने ट्रेनिंग की थी और वहीं मुझे पोस्टिंग मिल गई। कोयला नगरी में आप सेवा देंगे? बिल्कुल। किसे श्रेय देंगे? मैं मेरे इसके लिए मैं मेरे माँ बाप को श्रेय देता हूँ, मेरे बुजुर्ग पिताजी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और एक किसान परिवार से ही हूँ, कोई ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ा के और एक डॉक्टर बना करके CHO बना के और मुझे धनबाद तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ से आगे मेरी जिंदगी का मैं खुद शुरुआत करूंगा और बहुत अच्छे से शुरुआत होगी। और हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने 500 से अधिक CHO को नियुक्त किया आज और सम्मान पूर्वक लेटर दिया है। तो देखिए हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी इस वक्त, जिन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा है, और ऐसे में त्योहारों का सीजन भी चल रहा है और त्योहार से पहले ये तोहफा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? टाइम ने समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिन से वेट कर रहे थे, फाइनली मिला। तो आपके साथी लोग बता रहे हैं कि भगवान का दर्शन आसान है, नियुक्ति मिलना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? आज के समय में तो ये मिलना बहुत ही मुश्किल है, और ये नियुक्ति पत्र CM सर के द्वारा मिला है तो ये और भी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। हमें जहाँ जहाँ भी हमें सेंटर मिले हैं हम बहुत खुश हैं कि हमें उस जगह को मिला, और हमने बहुत इंतजार किया इस दिन का, और सर के द्वारा मिलना ये और ही अलग ही खुशी की बात है। सो वी आर वेरी हैप्पी। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। नवनियुक्त CHO हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए, कितने खुश हैं? बहुत, मतलब आज के जमाने में सच बात है जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को मिल गया वो बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं आगे काम कैसा होता है। आपके साथी बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन आसान है, नियुक्ति मिलना मुश्किल है। वो लोग भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि लड़कियों से ज्यादा आजकल लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उसके लिए तो हम लोग भाई लड़कियों को भी हम मिल रहे तो अच्छा ही लग रहा है हम लोगों को भी। चलिए तो देखिए सभी के चेहरे पर खुशी है और एक कहीं ना कहीं ये संतोष है कि चलिए आचार संहिता लगने से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए CHO को लेकर के बड़ा कदम उठाया, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। आज 498 CHO को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में नियुक्ति पत्र सौंपा है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको इस हॉल की दिखा रही हूँ, आप देखिए सभी यहाँ पर, देखिए सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो संख्या फीमेल की है जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है, और ये सभी अब ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देंगे। आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।